हमने सुनी थी कुछ कथा राणा शिवा के शौर्य की, चौहान सर संधान की, कौटिल्य शिष्य मौर्य की, तुमने लिखी रक्त से हिमराज पर तोपों पे छाती तान कर, माँ भारती की लाज पर इस वीरता की वंदना गूंजे धरा आकाश पर, हमें गर्व अपने कल पे है अभिमान अपने आज पर। इतना हूँ, इतने में जो कर सकता हूँ करूंगा। माँ वीड़ा पाड़ी को प्रणाम, मंचस्थ हमारे सभी अभिभावकों को प्रणाम, सभी बड़े ही हैं हमसे, लेकिन सबसे बड़ा नाम हमारा है। सही बात, नंद मुरारी शंकर शरण पाठक, वो वाला बड़ा नहीं, ऐसे वाला बड़ा। अच्छा, क्या बात है, ये तो मैं अधूरा ही पड़ गया था नाम में लगे। ये मंच हास्य का नहीं है, जैसा भैया ने कहा, तो हास्य की कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन लटके हुए चेहरे भी अच्छे नहीं लगते, इसलिए जरा सा हम चाहेंगे खिलखिला लीजिएगा, और अच्छा लगेगा तो सुनिएगा, नहीं लगेगा तो भी सुनना पड़ेगा, हम खड़े ही हैं सुनाने के लिए। नंद मुरारी शंकर शरण पाठक, बड़ा लंबा नाम है, याद करने में भी मुझे 5 मिनट लग गए। बहुत अच्छा। मैं आपको बनारस बताऊंगा, फिर मैं आपको भारत बताऊंगा, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि भारत क्यों है और भारत किनका ऋणी है। अच्छी बात है। तो मैं यही बनारस में ही रहता हूँ, रहने वाला चंदौली का हूँ। एक बार मैं रविंद्रपुरी के पास था, विदेशी सैलानी आते रहते थे, तो कोरोना देवता की कृपा हुई कि इसमें नहीं आ रहे हैं। एक ने आके, एक अंग्रेज ने आके हमसे कहा कि भारत क्या है बताओ हमको। हमने कहा भारत बताया नहीं जा सकता। तो बोला बनारस क्या है बताओ हमको। हम कि बनारस तो और बताया नहीं जा सकता, ये काशी है, आध्यात्म की नगरी है, यहाँ लोग मरने के लिए आते हैं, इसे समझना होगा, इसे तुम्हें आत्मसात करना होगा, ये बताया नहीं जा सकता। बोला नहीं बताओ, हम लोग ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं, हर चीज समझ में आता है। हमने कहा कवि है, हमारी भाषा और समझ में नहीं आएगी। बोला ना ना बताओ, हम समझ लेंगे। हमने कहा ठीक है बताते हैं। तो हमने जो उसको बताया वो सुनिए। मैंने कहा कि कबीरा के शब्द बावरे तुलसी की चौपाई है, कबीरा के शब्द बावरे तुलसी की चौपाई है, प्रेम चंद जयशंकर की माटी शुक्ल की चतुराई है, महामना का दृढ़ संकल्प है, हरिश्चंद्र की सच्चाई है, साहस शौर्य की जन्मदात्री या रानी लक्ष्मी बाई है, गंगा के निर्मल प्रवाह में सदियों की तरुणाई है, प्यारी काशी कहलाई है, प्यारी काशी कहलाई है। बहुत अच्छा। उसको नहीं समझ में आया, हमने कहा पहले ही कह रहे थे नहीं समझ में आएगा। अच्छा। बोला ठीक है तब हमको काशी दिखाओ। हमने कहा चलो दिखाते हैं। थोड़े दूर आए, एक तुलसी का पौधा था। हमने कहा ये हमारी माता है, इनको प्रणाम करो। उसने तुलसी का पौधा उखाड़ा, एक एक पत्ती ली, ये लो तुम्हारी माता। हमने कहा अब तुमको हम काशी नहीं बनारस दिखाएंगे बेटा। कुछ आगे बढ़े, खुजली वाला पौधा था। हमने कहा पिताजी से भी मिल लो। उसने आदत के अनुसार एक एक पत्ता उठाया। कुछ देर बाद पिताजी ने जब अपना प्रकोप दिखाया, फिर आज तक वो चेहरा नहीं दिखा। करिए बात की। बहुत अच्छे, क्या बात है। अब मैं आपको बताता हूँ भारत का जो वास्तविक चित्र है वह मैं आपको बताता हूँ कि भारत है क्या और मैं क्या हूँ। मेरे परिचय की कविता कि मैं आर्यवर्त का चारण हूँ भारत वंदन गाता हूँ, मैं आर्यवर्त का चारण हूँ भारत वंदन गाता हूँ, विश्व विजेता जो हारा था वह रोली चंदन गाता हूँ, मैं आर्यवर्त का चारण हूँ भारत वंदन गाता हूँ। और भारत है क्या कि जिसने पिता के वचनों पर सिंहासन को छोड़ा था, महाबली दशकंधर के अहंकार को तोड़ा था, जिसने तिनके भर से मारीच को मारा था और देवी अहिल्या को चरण स्पर्श से तारा था, जो रीझ गए सबरी के जूठन में, वह रघुनंदन गाता हूँ, मैं आर्यवर्त का चारण हूँ भारत वंदन गाता हूँ, मैं आर्यवर्त का चारण हूँ। यही तो भारत है हमारा। जो दिखाया जाता है जातिवाद वह भारत नहीं था, हमारा आराध्य सबरी का जूठा खाता है। फिर अगला परिचय मैं भारत का बताता हूँ कि जहाँ जन्म ले कान्हा ने मुरली मधुर बजाई थी, सब जीवों पाषाणों में भी प्रेम प्रीत उपजाई थी, जिस दरा को चूमा कृष्णा ने पुण्य किया, असंख्य अक्षौणी सेना को 18 दिन में शून्य किया, जब अधीर हो अर्जुन ने गांडीव को छोड़ा था, तब गीता के महाज्ञान ने विदीर्ण हृदय को जोड़ा था, के उपदेशक का भारत वंदन गाता हूँ, भारत का चारण हूँ भारत वंदन गाता हूँ। और यह कार्यक्रम शहीदों को समर्पित है।
एक प्रश्न उठता है, लोग कह देते हैं बड़े आसानी से कि दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल साबरमती के संत। मैं बापू के तपस्या का सम्मान करता हूँ, है गांधी जी आपकी समस्त तपस्याएं पूजनीय हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम यह लाइन कहते हैं कि दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, तो मैं पूछता हूँ कि ये कैसे लटके हैं? आज 23 मार्च के दिन जिन्हें फांसी पर लटकाया गया वो बिना हिंसा के क्या था फिर? इसलिए एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, उसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि क्या आजादी पाई थी हमने केवल गांधी के गालों से, क्या आजादी पाई थी हमने केवल गांधी के गालों से, या भारत आजाद हुआ था इन वीरों के बलिदानों से? सच सच बताइएगा आप लोग। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा नान। अब क्या बात, दादा समझ गए होंगे क्या बात कि मैंने प्रेम की वजह से मेरा शरीर कम नहीं हुआ, ये खून खौलता है देख के, ये हालत मैं समझ गया बिल्कुल। ये तो दिल पे ले गए लगता है। अब मैं बताना चाहता हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल, अब मैं उनके लिए पढ़ना चाहता हूँ जिनके लिए यह कार्यक्रम है। स्वागत स्वागत। देश की आजादी के लिए जिन वीरों ने बलिदान किया, उस आजादी को बचाने रखने के लिए इन वीरों ने बलिदान किया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा आनंद पुरारी भैया। और मैं बताना चाहूंगा भैया, बनारस के लोग हैं, मैं चाहता था कि जब हमारे बड़े गजेंद्र सोलंकी जी पढ़ रहे हैं, अजय अंजाम जी पढ़ रहे हैं, या कविता दीदी पढ़े, तो आपकी तालियां स्वर्ग में बैठे उन पुनीतों को अपनी करध्वनि सुनाई दे कि हमारे वंशज नीचे हमारे लिए अभिनंदन कर रहे हैं। आपकी तालियां कमजोर थी उस समय। अब मैं उनको आपकी तरफ से, संपूर्ण भारत की तरफ से विदाई देना चाहूंगा और केवल छोटी सी कविता पढ़ के स्थान ले लूंगा। बहुत अच्छा, अच्छा पढ़ रहे हो। विदाई के लिए, हे वीर तुमको राष्ट्र का अंतिम नमन स्वीकार हो, हे वीर तुमको राष्ट्र का अंतिम नमन स्वीकार हो, कर गए तुम कार्य वह स्वर्ग में सत्कार हो। और हमने सुना क्या था, हमने सुनी थी कुछ कथा राणा शिवा के शौर्य की, चौहान सर संधान की, कौटिल्य शिष्य मौर्य की, तुमने लिखी स्वरक्त से हिमराज पर, तोपों पे छाती तान कर, माँ भारती की लाज पर, इस वीरता की वंदना गूंजे धरा आकाश पर, हमें गर्व अपने कल पे है, अभिमान अपने आज पर। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा नंद मुरारी भैया, वाह वाह वाह। हे वीर तुमसे स्वर्ग में देवों सा ही व्यवहार हो, हे वीर तुमको राष्ट्र का अंतिम नमन स्वीकार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात है, वाह वाह वाह। महादेव, देवताओं से जरा भी कम नहीं है, यकीन मानिएगा आप लोग, हमारे ये जमान देवताओं से जरा भी कम नहीं है, और स्वर्ग में मैं चाहता हूँ कि आपके साथ देवताओं जैसा ही व्यवहार हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात है, वाह 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 वाह। आखिरी पंक्तियाँ, स्वागत है। युद्ध कौशल में निपुण हो शत्रु भी यह जानता है, क्या है गुरु देखिएगा, युद्ध कौशल में निपुण हो शत्रु भी यह जानता है, तुम खड़े हो जब भी सम्मुख प्राण भिक्षा मांगता है, जानता है विश्व यह भारती के लाल को, देखते हैं सब तुझ में सज्ज क्रोधित काल को, इस काल के काल विजय इतिहास का सत्कार हो, हे वीर तुमको राष्ट्र का अंतिम नमन स्वीकार हो।